अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हिंसा का दौर जारी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दी प्रदर्शनकारियों पर कड़ा एक्शन लेने की चेतावनी। बीते कुछ घंटे में ट्रंप ने हिंसा को लेकर किए कई ट्वीट। वहीं अमेरिका में हो रही हिंसा पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ट्वीट, कहा कई जवान और हेलीकॉप्टर कर रहे हैं लोगों की निगरानी, देश को बर्बाद करना चाहते हैं लुटेरे और क्रिमिनल्स। पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस का कोहराम जारी। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी हुए कोरोना के शिकार, हालांकि इलाज के बाद रिकवर भी हुए प्रिंस चार्ल्स। अमेरिका के पूर्व नौसैनिक माइकल व्हाइट को ईरान ने किया रिहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट की रिहाई पर जताई खुशी। 683 दिन के बाद ईरान की कैद से रिहा हुआ माइकल व्हाइट। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ने कश्मीर में इमरजेंसी हवाई पट्टी बनानी शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने श्रीनगर जम्मू हाईवे के पास शुरू किया आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण, इमरजेंसी लैंडिंग में किया जाएगा इस्तेमाल। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। विश्व में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 67 लाख के पार, तो 3,93,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक गंवाई जान। इसके साथ में 32,44,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2,26,000 के पार, 6,348 मरीजों ने गंवाई जान, तो वहीं 1,09,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था के हाल बेहाल। राजस्व के नुकसान के साथ बड़ा खर्च, नई योजनाओं पर भी पड़ा असर। केंद्र सरकार ने लगाई नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा किया जारी। दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का है जीएसटी मुआवजा। दिल्ली में कोरोना वायरस टेस्टिंग और मरीजों के इलाज को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच रार। दिल्ली सरकार की ओर से बीते दिन आरएमएल अस्पताल को लेकर किए गए थे सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया जवाब। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर कहा कि दिल्ली में कोरोना के मसले पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गलत आरोप लगाने के बजाय स्वास्थ्य व्यवस्था को करना चाहिए दुरुस्त। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी। दिल्ली मेट्रो के 20 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। डीएमआरसी ने कहा कि हम लगातार वापसी की कर रहे हैं तैयारी। जिस तरह देश इस बीमारी से लड़ रहा है वैसे हम भी लड़ रहे हैं। अनलॉक वन पर केंद्र सरकार की दूसरी गाइडलाइन जारी। 8 जून से खुलेंगे रेस्टोरेंट, धर्मस्थल, मॉल, होटल, सभी को गाइडलाइंस का करना होगा पालन। यूपी के हरदोई में कोरोना मरीजों का बढ़ रहा है ग्राफ। 11 नए प्रवासी मिले कोरोना संक्रमित, 1 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव। सीकर के दादारामगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की ट्रैवल हिस्ट्री ने उड़ाई प्रशासन की नींद। सलून, मेडिकल, किराना समेत कई दुकानदारों के संपर्क में आ चुका है युवक। हरकत में आया चिकित्सा विभाग, तो वहीं प्रशासन ने बढ़ाया कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का दायरा। अखिल भारतीय भील आदिवासी महासभा ने एसडीएम को सौंपे सैनिटाइजर और मास्क। कोरोना योद्धाओं को वितरित किए जाएंगे सैनिटाइजर और मास्क। वहीं एसडीएम ने महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जताया आभार। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 2.5 महीने बाद शुरू हुई रोडवेज सेवा। कोरोना के चलते रोडवेज प्रशासन बरत रहा है सावधानी, एहतियात के तौर पर की जा रही है स्क्रीनिंग। चौकी रिवाई में प्राइवेट बस संचालकों ने जिला परिवहन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। टैक्स माफी, टैक्स क्लियरेंस और नॉन यूज जारी रखने की मांग। हिसार में टिकटॉक गर्ल और बीजेपी नेता सोनाली फोगट की मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से विवाद। मामूली तकरार के बाद सोनाली ने खोया आपा, सेक्रेटरी को जड़ा तमाचा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। थप्पड़ के बाद भी नहीं कम हुआ सोनाली फोगाट का गुस्सा। पुलिस के सामने ही मार्केट कमेटी सचिव की चप्पलों से धुनाई। सचिव पर अभद्र व्यवहार करने का लगाया। देश में हर दिन के लेन देन बताएगा आरबीआई। देशभर में विभिन्न भुगतान प्रणालियों से होने वाले लेन देन की अधिक दैनिक आधार पर जानकारी देने की शुरुआत। केंद्रीय बैंक एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई से होने वाले दैनिक लेन देन के साथ एटीएम से होने वाले पैसों की निकासी की भी देंगे जानकारी। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की बढ़त के साथ हुई शुरुआत। सेंसेक्स एक बार फिर से 34,000 अंकों की अपार। ग्लोबल कारणों से गुरुवार को शेयर बाजार की बढ़त पर लग गया था ब्रेक। तूफान निसर्ग के कारण आई तेज आंधी और बारिश से मुंबई में शुद्ध हुआ आबोहवा। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 17 पर। इस साल पहली बार इतनी साफ हुई हवा। मुंबई में आमतौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के ऊपर ही होता है दर्ज। झारखंड और कर्नाटक में महसूस किए गए भूकंप के झटके। झारखंड के जमशेदपुर में तीव्रता 4.7 और कर्नाटक के हम्पी में 4 आंकी गई। दोनों जगहों पर सुबह 6:55 पर महसूस किए गए झटके। दोनों राज्यों में किसी तरीके के नुकसान की खबर नहीं। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जल्द ही नए एपिसोड के साथ शो कर सकते हैं शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दी शूटिंग की अनुमति। अब चैनल और प्रोडक्शन हाउस मिलकर कर रहे हैं विचार।
पर्यावरण सुरक्षा के लिए भूमि पेडनेकर की नई पहल, नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग करने वालों की सोच बदलने की कोशिश। भूमि के वन विश फॉर अर्थ कैंपेन से जुड़े अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा और करण जौहर जैसे सेलिब्रिटी। अरुणाचल प्रदेश की मेचुका घाटी बीते दो दिनों से राज्य के अन्य हिस्सों में कटी, भारी बारिश के बाद मेचुका एलो सड़क पर बड़े क्षतिग्रस्त गड्ढे, शिओमी जिले और मेचुका शहर के बीच हुए पुल कनेक्टिविटी को पहुंचा नुकसान। विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए निर्देश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 7 साल की सजा काट रहे कैदियों को एक समान दिशा निर्देश जारी कर पैरोल देने की मांग की गई थी। जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा, हर राज्य में स्थिति अलग। देशभर के निजी और चार्जेबल अस्पतालों में कोरोना मरीजों की फ्री या फिर कम कीमत में इलाज पर मामला, याचिका पर केंद्र ने किया अपना जवाब दाखिल। सरकार ने कहा, निजी और धर्मार्थ अस्पतालों में कोरोना योद्धाओं को मुफ्त इलाज देने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका की खारिज, जस्टिस पी भानुमति, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस ए बोनप्पा बेंच ने याचिका खारिज। आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ का फायदा पहुंचाने के मामले में सीबीआई ने मई 2017 में चिदम्बरम के खिलाफ किया था केस दर्ज। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान ने हाईकोर्ट में लगाई अर्जी, पिता के इलाज को आधार बनाकर लगाई गई जमानत की अर्जी, कोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट तो दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, फिलहाल 8 जून तक चली सुनवाई। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अवैध पान मसाला और तंबाकू के साथ पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, 66,47,000 रुपए नकद और 2 करोड़ 25,000 रुपए का सामान किया गया जब्त। जॉय चेरून जर्नल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने जताया तलाशी अभियान। टाटास्काई बदलेगा चैनलों का पैकेज, ग्राहकों की 60 से 100 रुपए तक होगी मासिक बचत। पिछले 2 महीनों में टाटास्काई के तकरीबन 13 लाख ग्राहक हुए दूर, कंपनी ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उठा रही है कदम। जो प्लेटफॉर्म में 1.85% हिस्सेदारी के लिए 9,094 करोड़ का निवेश करेगी अबुधाबी की बुआबला इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो प्लेटफॉर्म को अब तक मिला 18.97% हिस्सेदारी के लिए 87,655 करोड़ रुपए का निवेश, 6 हफ्ते से भी कम समय में छठी कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की घोषणा। जो प्लेटफॉर्म में निवेश करेगी अबुधाबी की कंपनी। रियलमी वॉच की भारत में पहली सेल, 3,999 रुपए है कीमत, फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया वेबसाइट के जरिए खरीद पाएंगे ग्राहक, कंपनी की पहली बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच। ड्रोन के जरिए होगी फूड डिलीवरी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने स्विगी जोमैटो और इंजो को भारत में ड्रोन के माध्यम से सामान डिलीवर करने के लिए ड्रोन टेस्ट करने की दी अनुमति, जुलाई माह के पहले सप्ताह से शुरू होगा परीक्षण। टिकट बुकिंग प्रणाली में दलालों का हस्तक्षेप खत्म करने के लिए रेलवे का बड़ा कदम, टिकट के लिए नंबर पता मैच नहीं होने पर बुक नहीं कर पाएंगे रेलवे टिकट, दलाली फर्जी एड्रेस, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी डीएसए, ईमेल आईडी जनरेट कर बड़े पैमाने पर करते हैं टिकट बुक। जेबीएल ऑडियो के साथ नोकिया स्मार्ट टीवी 43 इंच मॉडल भारत में लॉन्च, 31,999 रुपए है टीवी की कीमत, एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट से होगी बिक्री, 8 जून को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी पहली। मारुति सुजुकी ने फेस मास्क, फेस वाइजर्स और कार पार्टीशन जैसे सेफ्टी एक्सेसरीज को किया लॉन्च, 10 रुपए से लेकर 650 रुपए तक है कीमत, मारुति के शोरूम या फिर ऑनलाइन खरीद पर सुविधा उपलब्ध, कंपनी ने हेल्थ एंड हाइजीन कैटेगरी में किया एक्सेसरीज को शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की राजकौशल पोर्टल की लॉन्चिंग, मुख्यमंत्री आवास से वेबिनार के माध्यम से लॉन्चिंग की गई, मंत्री रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई मंत्री साथ रही मौजूद। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर, एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक, मृतकों में 5 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल, नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आर्थिक तंगी के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या, पति ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर खिलाया फिर फांसी लगाकर दी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में चाट खाने से बीमार हुए 50 से अधिक लोग, चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने चाट विक्रेता से पूछताछ की और खाद्य सामग्री जांच की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में सिपाही ने गोली मारकर की आत्महत्या, सपा विधायक हाजी हकराम कुरैशी का सुरक्षाकर्मी था मृतक मनीष प्रताप सिंह, मानसिक तनाव के चलते की आत्महत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान ने की आत्महत्या, आर्थिक तंगी के कारण पेड़ से लटक कर दी जान, सिसौली गांव का है पूरा मामला। सिरोही के वालोरिया गांव में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद, बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भिंडवाड़ा के वालोरिया गांव में पुरानी रंजिश के चलते पूर्व उप सरपंच की हत्या, आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी में कड़ाधाम कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, गोमांस हथियारों के साथ गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपी के साथियों की तलाश फिलहाल जारी। यूपी के इटावा में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने दिनदहाड़े 19 साल के युवक का किया अपहरण, परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, घायल होने पर इमामी बदमाश दीन मोहम्मद गिरफ्तार, एक बदमाश हुआ फरार। यूपी के सहारनपुर में अजगर से बचाई हिरण की जान, राहगीरों ने साहब का दिया परिचय, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वीडियो वायरल। यूपी के एटा में चिकित्सा विभाग के दावों की खुली पोल, प्रसव पीड़ा होने पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस, महिला ने सड़क पर ही दिया बेटी को जन्म। पाली में एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई, बर्डस्कॉम के ईएम कार्यालय में की कार्रवाई, स्टोर कीपर तकनीकी सहायक 2000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार, खेत पे ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में मांगी थी घूस। झुंझुनू के बुहाना में विद्युत विभाग की कार्रवाई, घसेड़ा और भूरीवास में बिजली चोरी पकड़ी, 4 लाख का थोका जुर्माना, तो वहीं ट्रैम पर मीटर भी किया जब्त। डीकूफंड में झोलाछाप, डॉक्टर्स अवैध रूप से लोगों से कर रहे हैं जीवन के साथ खिलवाड़, एलोपैथिक दवाइयों से कर रहे हैं इलाज, जिला और स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा फिलहाल कोई कार्रवाई। बिजौलिया से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुआ हादसा, बाइक फिसलने से चालक हुआ गंभीर घायल, 10 घंटे तक बेहोश हालत में हाईवे पर पड़ा रहा युवक, सूचना मिलने पर जिला अस्पताल में किया गया रेफर। श्रीगंगानगर के बिजवाला में सड़क हादसा, बाइक और साइकिल की हुई भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। प्रतापगढ़ धरियावद मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि, काफी देर तक ट्रैफिक रहा जाम। झुंझुनू के चुड़ावा में लापता बेटे को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही मां, 9 महीने पहले लापता हुए 14 साल के प्रशांत योगी का पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग, तो वही प्रशांत की मां ने मीडिया से लगाई मदद की गुहार। चौक में एक बार फिर से खाकी हुई शर्मसार, कांस्टेबल पति के अत्याचारों से परेशान पत्नी, न्याय के लिए खा रही है दर दर की ठोकरें, एसपी आदर्श सिद्धू से लगाई न्याय की गुहार। भरतपुर के ब्याना में नगरपालिका की लापरवाही, दिन में भी जलती रहती है रोड लाइट, प्रशासन नहीं रहा मामले की सुध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का किया आह्वान, कहा पर्यावरण संरक्षण करे भावी पीढ़ी को दे सुखद भविष्य। बिजबाला में सीमा जन कल्याण समिति का सराहनीय कार्य, बेजुबान पक्षियों के लिए बांधे परिजे, विश्व कल्याणकारी ट्रस्ट का भी मिला सहयोग। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधों के संरक्षण का संकल्प, यूपी के एटा में पुलिस और पत्रकारों ने शुरू किया अभियान, आमजन को भी किया जाएगा जागरूक। झुंझुनू में पर्यावरण दिवस के मौके पर निकाली साइकिल रैली, 16 साल से कम उम्र के बच्चों ने कलेक्ट्रेट से निकाली साइकिल रैली, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। मानसूर विधायक शकुंतला रावत की पर्यावरण दिवस पर पहल, गांव माचरा रावत में पौधे लगाकर लोगों को दी पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, लोगों से किया आह्वान ज्यादा से ज्यादा लगाए पेड़। चूरू के तारानगर में विश्व पर्यावरण दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में 113 यूनिट रक्त किया गया संग्रहित, उपखनन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने शिविर का निरीक्षण कर रक्तदाताओं की प्रशंसा की। पाली के मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने पर्यावरण दिवस पर किया रानी उपखंड क्षेत्र के छिवाड़ा कस्बे का दौरा, विधायक ने खेतलाजी मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ को बांधा रक्षा सूत्र, तो वहीं केरल में हथिनी की मौत पर घटना को बताया शर्मनाक। जयपुर के कोटपुतली में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, भाजपा नेता मुकेश गोयल और विक्रम गुर्जर की ओर से किया गया आयोजन, शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जैसलमेर के नाचना में मौसम ने बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। कोटा में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, शहरवासियों को गर्मी और उमस से मिली राहत, तो जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।